सभी को सादर जय जिनेंद्र। थर्सडे आफ्टरनून बैच 2021 से मैं दीपाली जैन आपको लेकर चलती हूँ एक बगीचे में, जहाँ हमारी टीम स्पार्कलिंग सोल्स की नीपा, रुचिका, अर्चना, रुचि, उषा, संगीता, आयुषी, अनुराधा, निधि, प्रीति, ज्योति, नंदनी सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए मिल रही हैं, क्योंकि आजकल कोविड का वातावरण है ना। वे लोग कोविड को लेकर वार्तालाप कर रहे हैं कि इस बीमारी से सैकड़ों लोग मरण को प्राप्त हो रहे हैं, पर भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संसार रूपी जंगल में तो हम खूब भ्रमण कर चुके, पर रंच मात्र भी सुख हमें नहीं मिला है। आइए देखते हैं किस प्रकार हमारी सखियां 12 भावनाओं के चिंतन से कोविड के भय पर विजय प्राप्त कर रही हैं। आए दिन अपने इष्ट जनों की मृत्यु की सूचना सुनकर यह मन विचलित हो रहा है, किंतु जब देह की अनित्यता के बारे में सोचती हूँ तो लगता है यह आत्मा तो नित्य है और ये शरीर तो आयु के प्रमाण चलने वाला है और वह अनित्य है। क्यों अर्चना? अनिपा, तुम कोविड में इतने आकुल व्याकुल क्यों हो रहे हैं? संसार का स्वरूप ही ऐसा है कि हम अपनी मृत्यु को क्षण भर भी टाल नहीं सकते। चाहे कोई कितना ही धनवान या बलशाली क्यों ना हो, वह हमें अपना जीवन नहीं दे सकता। हमें अपनी आत्मा की शरण में जाकर ही इस व्याकुलता को दूर करना होगा, है ना उषा? हाँ, आजकल तो अखबार पढ़ने की भी इच्छा नहीं होती है, चारों ओर दुख ही दुख नजर आते हैं। हम तो घर, परिवार, व्यापार, गाड़ी, बंगला आदि में ही सुख समझते थे, लेकिन वहाँ भी सुख नहीं मिला। इस संसार में हमने अनेकों बार देह धारण किए, लेकिन सच्चा सुख नहीं मिला। आप क्या कहते हैं संगीता? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। हम तो तन और धन को ही अपना समझते थे और यह भी सब समय आने पर अपना साथ छोड़ देते हैं। क्वारंटाइन होने पर मुझे यह एहसास हुआ कि मैं अकेला ही आया था और अकेला ही मरण के समय जाऊंगा, यानी कि जन्म और मरण के समय तक मुझे ये सारे दुख सुख अकेले ही भोगने हैं, है ना युषी? कोविड पॉजिटिव आने के बाद जब अकेला रहना पड़ा तो मन में विचार आया, वस्तुतः मैं सबसे भिन्न हूँ, सबसे अलग हूँ। देहादि सभी बाह्य पदार्थ आत्मा से अत्यंत भिन्न है, फिर काहे का घबराना? क्यों, सही कहा ना प्रीति? जीवन व्यतीत कर देते हैं, यह शरीर अत्यंत अपवित्र है। इन सबसे भिन्न जो मैं आत्म तत्व हूँ, इसकी हमको तो चिंता ही नहीं है। मेरा जो चेतन तत्व है उसका इस जड़ शरीर से कोई संबंध नहीं है। यह सब जानने के बाद है कैसा? अभी तक आपने देखा इन सखियों ने भावनाओं में देह को केंद्र बिंदु बनाकर चर्चा की। देह आदि संयोगी पदार्थों पर से ध्यान हटाकर स्वभाव सन्मुख में ले जाने से कोविड के प्रति उत्पन्न भय पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अन्य भावनाओं के चिंतन के माध्यम से सखियां क्या चर्चा कर रही हैं। मेरे विचार से सखी, दिन रात चलने वाला हमारा शुभाशुभ भाव से हमारा पुण्य पाप रूपक लेन देन मन, वचन और काया द्वारा चलता रहता और सही कारण से हमारा आश्रम का मार्ग निरंतर खुला रहता है। नंदिनी, आश्रम का उपाय भी तो जिनागम में बताया गया है। इस समय होने वाले राजद्वेष के प्रति यदि हम समता धारण करते और अपने आत्म स्वरूप का विचार करें तो इन शुभाशुभ भावों के प्रति हम विराम लगा सकते हैं और संबल प्रकट कर सकते हैं। हाँ निधि, सही कहती हो। इस काल में अगर हम अपना समय घर बैठकर पूजा पाठ, स्वाध्याय, व्रत आदि करने में लगाएं तो हमारे कर्मों की निर्जरा होने लगेगी और अंदर में पूर्व आनंद की झरने बहने लगेगी। माँ ज्योति, रागवश हम अपने इष्ट जनों के वियोग से आकुलित अवश्य हो रहे हैं, परंतु अगर हम समता भाव धारण कर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि का पालन करते हुए रहेंगे तो इस कोरोना महामारी घबराना नहीं है। वर्तमान में मंदिर बंद होने पर भी परमागम ऑनर्स की ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से हम दुर्लभ स्वाध्याय, तत्व चर्चा आदि का लाभ ले सकते हैं। इससे हम अपने मन को मन कर सकते हैं और ज्ञाता निष्ठ रहने का प्रयास कर सकते हैं। मैंने सही कहा ना रुचि? सखियों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमें कोविड से डरना नहीं, लड़ना है। वैसे भी संसार में अपना कोई नहीं था,
चिरकाल से धर्म ही हमारा साथी रहा है, अतः इसी की शरण लेकर हमें इस भव को सार्थक करना चाहिए। साथ ही आपको दिखाते हैं कि सखियों ने भक्ति के माध्यम से श्री युगल जी की देव शास्त्र गुरु पूजन के स्तवन द्वारा 12 भावनाओं को कैसे व्यक्त किया है। प्रकार हमने देखा इन भावनाओं के चिंतन से इन सखियों ने तनाव युक्त वातावरण को भी समता भाव धारण करके सहज बना लिया। हम सब भी इन भावनाओं के निरंतर चिंतन से वर्तमान परिस्थिति के तनाव से मुक्त होकर साम्य भाव अपना सकते हैं। स्वयं से लड़ो, बाहरी दुश्मन से क्या लड़ना, वह जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेगा उसे ही आनंद की प्राप्त होगी। जय जिनेंद्र।